सत श्रीकाल बच्चों, अज आप थानू सूरजमुखी का फुल बनाना सिखावांगे। बच्चों सब तो पहले आप टेढ़ी रेखा यानी कि करव वाली रेखा ले लेनी है थोड़ी मोटाई दे विच, ते उस तो बाद लैन तो बाद आपां पत्तियां दी ड्राइंग करांगे। बच्चा एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो पेंसिल है बहुत ही लाइट चलानी है। आम देखने विच आउंदा है कि बच्चे जो पेंसिल है वो बहुत दबा दबा के चलाते हैं, जिस करके जदों उन्हां दी कोई लाइन गलत भी हो जाती है तो उहदे नाल की हुंदा है, लाइन जदों रब करते हैं तो उन्होंने जो लाइन के निशान होंगे रब कर तो बाद भी शीट पर दिखी जाते हैं, तो वह कई बार तो नीचे जो शीट पई होंगी उहदे ते भी आ जाते हैं। इस करके पेंसिल जिवें तुसीं देख रहे हो आपां बिल्कुल लाइट चला रहे हैं, तो नाल दी नाल ही साडा ड्रॉ होंदा जा रहा है। जिहड़ा जो आपां चक्कर लाने की कोशिश की हाथ नाल, ये थोड़ा ओवल शेप के विच ही रखना क्योंकि अंडाकार जिहा ही रखना है, क्योंकि इस दे नाल फ्रंट व्यू नहीं दिखेगा, थोड़ा साइड व्यू दिखेगा। पत्तियां बना दे हुए भी आप लाइट ही चलानी है पेंसिल। जिहड़े खाली स्थान है उन्होंने भी आप पत्तियां दे नाल ही भर देंगे। हम आप बच्चे इन रंग करांगे। तकरीबन साड़ी जो ड्राइंग है वो हो ही चुकी है। आप हम रंग कर लगे हैं बच्चों, तुसी देख सकते हो आप ब्राउन कलर कर रहे हैं। जिथे सूरजमुखी के बीज होंगे ना उत्थे ब्राउन कलर कर देंगे। ये हले आप बेस कलर कर रहे हैं क्योंकि इस दे विच हले बहुत सारे रंग आप यूज़ करने हैं, एक रंग के नाल तो कोई चीज़ नहीं बनती। आप बहुत सारे बच्चे इको रंग करके छड़ देंगे, तो रंग भी आप जो बेस कलर करने हैं तो थोड़ा लाइट ही रखांगे। कलर भी आप हौली हौली ही चलाने हैं, इस दे नाल लाइन नहीं बनती जब आप स्लो चलाने हैं कलर, नहीं तो लाइना बनने शुरू हो जाती हैं। बच्चो इको दिशा च ही आप जो कलर है स्टिक है कलर दी वो इको दिशा च चलानी है। ये नहीं है भी कि आप कदे किसे पासे चलाती कदे किसे पासे चलाती, इको दिशा च ही चलानी है। हुण आप पत्तियां जो रंग कर रहे हो तुसी देख सकते हो पत्तियां दे विच जो रंग कर रहे आप अलग अलग पत्ती दे विच कर रहे हैं, ये नहीं है कि भी आप सारियां पत्तियां च इको समय कर देंगे। रंग करते समय बच्चों थोड़ा स्टिक का ध्यान रखना ना जाए सिर्फ च ही रहे, कई बार बाहर चली भी जाती है पर थोड़ा केयरफुली काम करिए तो वधिया है।
अपनी जो कलर पत्तियां दे विच हो चुके हैं हुण आपां कलर मिक्सिंग का काम करांगे। तुसीं देख सकते आपां ब्लैक कलर ब्राउन कलर दे उपर लगा दिता है ते इस दे नाल डार्क लाइट दी शेड बन के बाहर आ रही है। तो बाहर आ गया है का। हल्का हल्का ग्रीन कर देंगे पत्तियां क्योंकि कुछ पत्तियां ज़्यादा इन्निया पीड़ियां भी नहीं होंदिया ना दे विच हल्का ग्रीन थोड़ा होंदा ही है। हुण आपां पत्तियां दे विच ब्राउन कलर दे नाल थोड़ी बर्निंग जी शेड देंगे क्योंकि पत्तियां दे विच थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश शेड जरूर होंदी है। अंदरों बाहरली तरफ नूं ही करन दी कोशिश करनी है तो उहदे नाल जदों कलर खत्म होंदा है उत्थे तां इक मर्ज हो जाती है लाइन तो अच्छी लगती है। थोड़ा आउटलाइन कर देंगे पत्तियां नूं ताकि पत्तियां दे विच जो डेप्थ है यानी कि एक उभार आ जाए। थोड़ी मिक्सिंग कर देंगे जो बेस कलर किया सी अपना वही दोबारा घुमा देंगे तो ब्राउनिश मर्ज हो जाएगा ये बिच। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਨ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਡੀ ਸਾਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾ ਡਾਰਕ ਇਹ ਵੀ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੱਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਡਾਰਕ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤੀਆਂ ਡਾਰਕ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੈਚ ਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ। Thank you, Vachio.